गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप नई राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपने नया राशन कार्ड बनवाया है और आप चेक करना चाहते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, वो बना या नहीं बना, तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और कैसे जो है अपना राशन कार्ड चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं राशन कार्ड की लिस्ट पूरी निकली हुई है, मुखिया का नाम वगैरह यहाँ पे, इस तरह की वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको तमाम वीडियो की जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। और एप्लीकेशन इसकी वेबसाइट की लिंक आपको इस टाइटल पर क्लिक करिए, नीचे जो है वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। गाइज यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइए आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जो मैं बताऊँगा वो आपको बताऊँगा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि इसके बाद मैं लगातार बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में यूपी का, बिहार का, हर एक स्टेट का बताऊंगा। एक वीडियो में सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस सबकी लगभग समान है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आपको इस वेबसाइट पर पहुंच जाने के बाद यहाँ पे आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जन भागीदारी करके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे और भी मिलते हैं, फिलहाल मैं आपको केवल बताऊंगा राशन कार्ड की लिस्ट में नाम कैसे देखें। तो इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पेज कुछ खुल जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा जन भागीदारी और यहाँ पे एक आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर की बात करें, आपका किसी भी तरह की कोई राशन कार्ड से संबंधित समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपका राशन कार्ड बन नहीं पा रहा है, इस नंबर पर ऐसे कॉल लगाएं डायरेक्ट। मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं नंबर, और वेबसाइट पर भी मिल जाएगा 1800 233 36 63। यहाँ पे आ जाएंगे, या ये नंबर लगाएं, ये नंबर 1967 नंबर पर फ़ोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इधर आना है, इधर आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा राशन कार्ड संबंधित जानकारी, ये देखिए। अब आपको नीचे आ जाने के बाद राशन कार्ड की जानकारी इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड का नंबर है वो डाल के खोज लें, नई नंबर है तो चिंता मत करें, बैक आ जाएं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा राशन कार्ड हितग्राहियों की विस्तृत जानकारी, तो यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर नीचे देखेंगे जिला वाइज भी दिया गया, हर तरह दिया गया है, तो आप फिलहाल मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक यहाँ पर क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जहाँ पे शहरी और ग्रामीण, और कार्ड की बात करें तो अन्योदय, निराश्रित, अन्नपूर्णा, प्राथमिकता, ठीक है, इस तरह के दिए गए हैं, APL, तो यहाँ पे सब कुछ ऊपर दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे जिला अपना सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी जिला हो वो जिला को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि माना कि आपने बस्तर जिला को सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको देखेंगे कि यहाँ पे विकास खंड देखने में आ जाएगा, ये देखिए विकास खंड दिया गया है, तो आपको विकास खंड सेट करना है डायरेक्टली और कुछ आपको नहीं करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो दुकानदार है, दुकानदार का यहाँ पे नंबर, सॉरी दुकानदार क्रमांक आ जाएगा और दुकानदार का नाम आ जाएगा, तो दुकानदार दुकान का नाम जो है अपने हिसाब से दुकान का नाम आप यहाँ से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब आप चलिए, अब यहाँ पे आपको दुकान का नाम पता चल जाएगा, इसमें से देख लीजिए, आपको दुकान का नाम तो पता होना चाहिए। जैसे आपको दुकान का नाम पता चल जाएगा, उसके सामने आइए और यहाँ पे आप ऊपर देखिए कि आपका कार्ड किस कैटेगरी का है, ये देखिए APL है कौन सा है, तो उसी के नीचे आपको आना है। ठीक है, जैसे अन्योदय है तो अन्योदय के नीचे आना है और दुकानदार के नाम के सामने आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब लिस्ट में आपका नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, मुखिया का, आपके घर का जो भी मुखिया है उसके नाम यहाँ पे, उसके पिता या पति के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। और इधर आएंगे तो महिला है, पुरुष है, कार्ड का प्रकार क्या है, पूरा पता यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जाकर के इधर साइड पे राशन कार्ड की ये जो है नंबर दिए गए हैं, तो अपने नाम के आगे इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन कार्ड है बना हुआ, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर राशन कार्ड की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है कि आपका राशन कार्ड बन चुका है। अब आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं या दुकानदार से जा करके इसका प्रिंट निकलवा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट रूम आ चुका है।